नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृषक विक्रांत महतो ग्राम जुवाड़ी जिला बैतूल मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं विगत 20 वर्षों से कृषि का कार्य करते आ रहा हूँ और मैंने पिछले 10 सालों से डकाल की मक्का का बीज के रूप में खेत में प्रयोग कर रहा हूँ और विगत 5 वर्षों से लाउडिस के फसल पे कर रहा हूँ, जिसके बहुत शानदार रिजल्ट मिले हैं, मुझे प्राप्त हुए मक्के की फसल पे। यह मक्का की खेती मैं कर रहा हूँ और जब से मैंने डकाल मक्का का प्रयोग किया है, इसमें कुछ वेराइटियाँ हैं, 9126 है, पिछले बार 9198 आया, 9198 की बहुत अच्छी वेराइटी है, मध्यम हल्की ज़मीनों के लिए दोनों में ही यह प्रयोग की जा सकती है। मैंने विगत पिछले वर्ष प्रयोग किया है। इसमें सबसे बड़ी देखने में जो स्थिति बनी, इसमें भुट्टा उतना बड़ा तो नहीं लगता है, पर बाद में जाके इसकी जो अंदर की छुई होती है वह बहुत पतली होती है और मकई के दाने बहुत बड़े साइज़ के निकलते हैं और वेट में भी बहुत अच्छे निकलते हैं। और तीसरी जो इसकी क्वालिटी है, यह मंडी में जाकर इसके दाम भी ज़्यादा मिलते हैं। यह थोड़ी पुरानी मक्का से इसकी क्वालिटी अलग है और उत्पादन भी मैंने पिछली बार बाकी वेराइटियों से 91-98 में ज़्यादा प्राप्त किया। डकाल के साथ एक कम्बो पैक के रूप में लाउडिस खरपतवार नाशक जब से खेतों में उपयोग किया है हमने, तब से इसके बहुत सकारात्मक परिणाम खेतों में देखने को मिले हैं। सर्वप्रथम यह जो खरपतवार नाशक है लाउडिस, यह सभी प्रकार के खरपतवारों पे नियंत्रण करता है। मतलब मक्के के साथ जितने भी प्रकार के खरपतवार उगते हैं वो 99.99% खरपतवार ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ मक्का ही खेत में बचती है, जिससे खरपतवार ख़त्म होने के पश्चात खरपतवार जो नष्ट होता है उसकी खाद के रूप में भी मकई के पौधे को ग्रीन खाद मिलती है और खेत इतना साफ सुथरा हो जाता है कि खेत में मक्का के पौधे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, जिससे मक्का के पौधे में गुणवत्ता पूर्ण सुधार आता है, फसल में बहुत अच्छा रंग आता है, काला कलर बगैर ही कम से कम यूरिया फर्टिलाइज़र में के बाद भी बहुत अच्छी फसल में रौनक देखने को मिलती है। बाहर का विकल्प लगाइए, उसके पश्चात आप लाउडिस का प्रयोग करिए, निश्चित ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे।